T20 वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया ने निकाल दी हवा। वनडे सीरीज में चारों खाने किया चित, सीरीज के अपने नाम तो रो पड़ा इंग्लैंड। वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 72 रन से इंग्लैंड टीम को रौंदा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को रौंद डाला। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में 72 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 280 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 38.5 ओवर में 208 रन बनाकर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जीत में स्टार गेंदबाज मिशेल स्टार्क और एडम जंपा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मिचेल स्टार्क ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर में 47 रन देकर 4 विकेट चटकाए, तो वहीं एडम जंपा ने 9.5 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेट निकाले। कप्तान जोश हेजलवुड ने 7 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत खराब रही। इस मैच में इंग्लैंड की खराब बल्लेबाजी देखने को मिली। जेम्स विंसे ने 60 रन बनाए और सैम बिलिंग्स ने 71 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ ने 94 रनों की धमाकेदार पारी खेली। मार्नस लाबुशेन ने 58 रन और मिशेल मार्च ने 50 रन बनाए। दो लगातार जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच 22 नवंबर को MCG क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मैच से कप्तान पैट कमिंस को आराम दिया गया था। जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया अगले 12 महीनों में अपने एक दिवसीय कप्तान का विस्तार करने जा रही है। इस संभावना के साथ ही जरूरत पड़ने पर विभिन्न खिलाड़ियों पैट कमिंस की जगह खड़े रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी कप्तानी नहीं करने वाले जोश हेजलवुड ने सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में कप्तान की भूमिका निभाई और इंग्लैंड को 72 रनों से ढेर कर दिया।